हेलो बच्चों, देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉग की स्टार्टिंग सीखी थी, ठीक है। आज क्या सीखेंगे? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। वैसे ज़्यादा होती भी नहीं है, एक्चुअलिटी तो यही है कि इसकी इतनी प्रॉपर्टीज ही नहीं होती है, पर अभी हम लोग क्या सीखेंगे? थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, पिछला वाला पढ़ लेना, ये वाला तुम्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। होता क्या है इसमें, देखते हैं, ठीक है। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या है लॉग की? फर्स्ट, मान लो लॉग के अंदर कई सारे नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हैं। बेस कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, बस जो मैंने बताया था, जीरो से बड़ा होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी हो, बेस कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लॉग के अंदर अगर मल्टीप्लाई में लिखे ना बेटा, तो ये सारी चीजें जाती है प्लस में। कैसे जाती है? लॉग एक बार इसके साथ लगाओगे, लॉग ए, इधर कितना हो जाएगा अपने पास लॉग बी, फिर इधर कितना हो जाएगा अपने सामने लॉग सी। अगर मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये किस में चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना कि अगर ये मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये किस में चला जाएगा? प्लस में। और सभी के ऊपर लॉग लगता है, इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, ठीक है, तीनों के ऊपर लगेगा। और यह बात को ध्यान रखना, ठीक है, कि लॉग हमेशा इसके ऊपर लग जाता है और यह आ जाएगा तुम्हारे सामने। ओके, क्लियर है? आगे देखो, और ऐसा नहीं है कि तीन ही नंबर हो, ऐसा नहीं तीन नंबर हो, तुम्हारी इच्छा अनुसार है कितने भी नंबर लिख लो, ठीक है। क्या चलता है? तुम्हारी इच्छा अनुसार चलता है कि तुम कितने भी नंबर लिखना चाहो उतने नंबर यहां पे लिख सकते हो। मान लो एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, ऐसे लिखा है 2, 3, 4, 5, 6। तो देखो इसका आंसर किसके बराबर आ जाएगा, जितने भी है सब पे प्लस लगा दो, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 4, लॉग 5, लॉग 6, ठीक है, 2 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 4 प्लस लॉग प्लस लॉग 6, ठीक है, 5 प्लस 6 हो जाएगा, समझ गए? मल्टीप्लाई में लिखा है तो क्या कर देना, हम लोगों को ऐसे लिख देना है, बराबर है? कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, मैंने तो पहले ही बोला है, कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, तुम कितने भी एग्जांपल ऐसे लिखना चाहो काम चलेगा अपना। बस क्या याद रखना है, मल्टीप्लाई में तो प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो उल्टा भी सीख सकते हैं कि अगर लॉग ऐसे लिखा है तो जैसे ही हम कॉमन करेंगे तो ये सारे प्लस किधर बदल जाएंगे बेटा हमारे पास? मल्टीप्लाई में। ये भी ट्रूथ है ना कि ये सारे के सारे प्लस किसमें बदल जाएंगे हमारे सामने? मल्टीप्लाई में। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि हमें दोनों तरफ से प्रॉपर्टी लगानी आनी चाहिए, ठीक है। दोनों तरफ से मतलब, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा, ये एग्जांपल वन हो गया, ये एग्जांपल अपना टू ले लेते हैं। मान लो लिखा है यहां पे अपने पास 3 प्लस लॉग 7, कैसे लिखा है हम लोगों ने? लॉग 3 प्लस लॉग 7। तो जैसे ही तुम लॉग कॉमन लोगे तो ये प्लस वाली चीजें कहां चली जाएंगी? सीधे सीधे मल्टीप्लाई में। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा ये? 7। अब 3 इंटू 7 तुम्हें पता ही है 21, तो तुम लिखना चाहो 21 तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज और होती है इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखना। देखो मैं बता रहा हूं तुमको इंपॉर्टेंट चीज क्या, जैसे मान लो लिखा है ये चीज। अब देखो बेटा, ये 3 प्लस 7 लिखा है, ठीक है, तो ये मत कर देना कि अगर ये लिखा है तो तुम सोचो कि ये इसके बराबर है, ये कभी इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, ये इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। 3 प्लस 7 कितना हो जाता है? 10, और ये दूर दूर तक 10 नहीं है। रीजन अभी मैंने पीछे दिखाया ना, ये कितना था अपने पास? 3 इंटू 7 कितना हो जाता है? 21, यानी ये कितना लिखा है? लॉग 21, तो ये वैल्यू इसके बराबर कभी भी नहीं होती, इस बात को याद रखना, ठीक है। हम ये चाह नहीं सकते कि लॉग को अंदर भेजे, ऐसे नहीं भेज सकते। ये कब आता है? ये वाला, ये देखो कब आता है? जब मल्टीप्लाई वाला होता है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाले में आएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि इसको ये लिखे तो ये कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात को याद रखना। तो पहली चीज क्लियर होगी, पहली प्रॉपर्टी क्या थी अपने पास, कि अगर इंटू वाली चीजें लिखी तो किसमें चली जाएंगी? प्लस में चली जाएंगी, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, मान लो डिवाइड में लिखा, अगर मल्टीप्लाई वाली प्लस में जाती है तो डिवाइड वाली माइनस में जाती है, ठीक है। मल्टीप्लाई वाली अगर प्लस में जाती है तो डिवाइड वाली किस में जाती है? माइनस में जाती है, ठीक। तो देखो ये कितना आ जाएगा अपने पास? लॉग ए
माइनस लॉग बी, ठीक है, ये अगर प्लस में जाता है तो ये वाला किस में चला जाएगा, तुम्हारे पास माइनस में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक। देखो इसी चीज को एग्जांपल में कैसे ले सकते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, मान लो लिखा है अपने पास 7/3, इसी चीज को कैसे लिखेंगे, क्लियर है, लॉग 7 माइनस लॉग 3। और बच्चों देखो मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये याद रखना, ये दो जगह पे बिल्कुल फिक्स है आता है, कहां कहां पे, केमिस्ट्री बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है, तो नीट वाले बच्चे भी इस चीज को देख सकते हैं, बिल्कुल लॉग फिक्स है, कुछ चैप्टर होते हैं जो आते हैं, ठीक है, जैसे एक इसमें से कौन सा है, लॉग वाला, केमिस्ट्री में तो आता ही आता है, साथ में मैथ में भी आता है, मैथ में तो बहुत जगह पे आएगा पर केमिस्ट्री में भी बहुत जगह पे आएगा, तो इस बात को तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। अब क्या बताया मैंने, ये चीज, अब देखो सेम चीज इसके जैसे देख लेते हैं, अगर यहां पे ये माइनस लगा है तो इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये इसके बराबर हो, ठीक है, ये बिल्कुल भी इसके बराबर नहीं होता है, ये अगर माइनस लगा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 3 में से 7 चला गया कितना हो जाता है, डजंट मैटर, मैंने केवल प्रॉपर्टी के लिए बताया है, ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव हो गया तो वैसे भी नहीं पॉसिबल है, तो इस बात को याद रखेंगे। चलो इसको यहां से हटा लेते हैं, कोई बात नहीं, उल्टा लिखना पड़ेगा ना, वरना फिर वो तो लॉग ही नहीं लग सकता है, लेकिन मैंने अभी तुम लोग को बताया ही था पहले से ही कि यहां पे क्या होना चाहिए, पहले से ही 7 माइनस 3, क्योंकि नेगेटिव लॉग के अंदर अलाउड नहीं है ना, तो अगर ये लिखा है तो ये किसके बराबर होता है बेटा, लॉग 4 के बराबर है, ठीक है, लॉग 4, ये बिल्कुल भी इस बात के बराबर नहीं है कि हम इसे ऐसे लिख दें, क्योंकि एक्चुअलिटी में ये क्या हो जाता है, ये वाले भाई साहब, ठीक है, तो ये याद रखना, ये इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, एक कौन सी हो गई, ऐड करने वाली, एक कौन सी हो गई, डिवाइड करने वाली, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला ऐड में जाता है, डिवाइड वाला किस में चला जाता है, माइनस में, ठीक है। तो चलो आ जाओ एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, एग्जांपल, दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी अपनी। मान लो ये ऐसे लिखा हुआ है मेरे पास, 5 × 8 अपॉन में लिखा है 9 × 7, कैसे लिखेंगे, डिवाइड वाला माइनस में जाएगा और मल्टीप्लाई वाला किस में जाएगा, प्लस में। तो देखो इसी चीज को, ये देखो मल्टीप्लाई में लिखा था ऊपर वाला 5 + log 8, देख रहा ना मल्टीप्लाई में, अब ये दोनों डिवाइड में लिखे तो ये माइनस में जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया, मल्टीप्लाई वाला किस में चला गया, ऊपर में देखो मल्टीप्लाई में लिखा था तो क्या चला गया, प्लस में, नीचे वाले दोनों किस में चले गए अपने पास, माइनस में, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी अपनी क्लियर हो गई, अब तीसरी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है अपनी, तीसरी प्रॉपर्टी, मान लो लॉग में यहां पे पावर में लिखा, ए के ऊपर क्या लगी, पावर लगी है, ठीक है, तो अगर बेटा ए के ऊपर पावर लगी है तो जो ये होता है इसको हम लोग यहां भेज सकते, तो ये क्या आ जाएगा, n × log a, ठीक है। अगेन एग्जांपल, मान लो जैसे लिखा है हमारे पास log 27, तो log 27 को कैसे लिखा जा सकता है बेटा, 3 की पावर में 3, तो जो ये 3 होता है वो कहां जाएगा, इस जगह पे आएगा, ठीक है, 3 की पावर 3 में जो ये लिखा है ये कहां चला जाएगा तुम्हारे सामने, इस जगह पे आ जाएगा, फटाक से पीछे एक बार में आ जाएगा तुम्हारे पास, ओके। तो याद रखना कि अगर लॉग में इस जगह पे पावर पे चढ़ा हुआ है, इस जगह पे, तो ये कहां चला जाएगा, जस्ट इसके पीछे, ठीक है। मान लो ऐसे एग्जांपल ले लेते, चलो 125, तो देखो 125 क्या हो जाता है, log 5 की पावर में 3 हो जाता है ना, 5 की पावर में 3, तो देखो ये जो 3 है वो बैक साइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 3 log की पावर में, मतलब लॉग में 5, मतलब पावर वाला पीछे हो गया, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हो गई, देखो पीछे मैंने क्वेश्चन बताया था ये, तो देखो जैसे ये लिखा है अपने पास ये वाला, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, 3 की पावर 2 और 2 पीछे चला जाता है,
तो और अगर सिंप्लीफाई करके लिखते तो उसको ऐसे लिख सकते थे, एट वाला भी लिख सकते थे, तो ये पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, जो भी यहां पर होता है ये कहां जाता है, इसके पीछे साइड में आ जाता है। तीन प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ठीक है, चलो चौथी भी चल लेते हैं। अब देखो चौथी वाली पे क्या गया बेटा, मान लो बेस पे पावर पे लगा है। ठीक है, कहां पे पावर लगी हुई है, बेस पे पावर पे लगा है। तो देखो बेस वाला हो या ये वाला हो, जाता पीछे ही है, ये डायरेक्टली जा रहा था, तो ये जब पीछे जाएगा तो ये वन अपॉन के साथ जाएगा। ये कैसा जाएगा, वन अपॉन करके जाएगा, क्योंकि बेस में लिखा है ना, तो बेस वाला कैसे जाता है, वन अपॉन करके जाता है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं। मान लो ये 16 लिखा है और ऊपर लिखा है 2। ठीक है, तो देखो 16 कितना हो जाता है अपना, 2 की पावर में 4, तो ये 4 पीछे आ जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 1/4 log 2 2। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को सिखाया था पिछली वाली क्लास में, ये क्लियर हो गया ना, ये इस प्रॉपर्टी का यूज है। अगर यहां पर यह लिखा है तो यह कैसे जाएगा, 1/4 में जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज है कि अगर यहां पे पावर चढ़ी है तो ये भी बैक साइड में जाता है, लेकिन कैसे जाएगा अपने सामने, 1/4 करके। ठीक है, तो 1/4 करके जाएगा। तो देखो ये दोनों सेम हो गए, पहले लेक्चर बताया था ना कि लॉक के अंदर अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इसका आंसर कितना हो जाता है, 1। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 1/4। ठीक है, तो देखो अब क्लियर हो गया, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर देखो मिला दो तो सारी चीजें तुम्हें क्लियर होना चालू हो गई होंगी कि चारों चीजें जो हम लोगों ने इसमें देखो अप्लाई किया है वो पहले वाले लेक्चर का भी था। ठीक है, तो बेसिक तो तुम्हें आना ही चाहिए जो मैंने सिखाया था, इसके बाद ये रहा तुम्हारा आंसर। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक छोटा सा और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो मान लो जैसे ये लिखा है, यहां पर ले लेते हैं अपन लोग 9 और यहां पर ले लेते हैं सपोज 27, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्लियर है बिल्कुल कि जो हमारे पास ये 27 है वो 3 का क्यूब होता है, वैसे 9 भी पता है। ठीक है, तो देखो ये वाली जो पावर होती है वो मैंने क्या सिखाई थी, डायरेक्टली पीछे जाती है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये। अब बेस वाले को देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है ना, अब बेस वाली जो पावर होती है वो भी पीछे जाएगी, पर वो कैसे जाएगा, इसके साथ, और ये दोनों सेम हो गए तो इसका आंसर तो 1 हो गया बेटा। ठीक है, यानी अगर इससे हम लोग एक कंक्लूजन निकालें, देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मान लो बेस पे ये लिखा है और ऊपर ये लिखा है, तो ये डायरेक्टली पीछे जाएगा और ये वाला अपॉन में पीछे जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, ये वाला डायरेक्टली पीछे चला जाएगा, दिख रहा है ना, ये वाला डायरेक्टली, क्योंकि ये ऊपर वाले पे था और ये वाला कहां पे है, बेस पे, तो ये पीछे ऐसे चला जाएगा। तो इसी चीज को अगर हम लोग यूज करेंगे इसमें, देखो इसमें, तो एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, एक लाइन में कैसे निकलेगा, एक लाइन में 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो अगर तुम एक लाइन में लिखना चाहो तो ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर एक एक करके अप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, डायरेक्टली भी आ सकते हो कि ये वाली पावर पीछे, ये वाली, इसकी भी पावर पीछे जाएगी पर वो डिवाइड में जाएगी उसके। ठीक है, तो तुम देखो ये ऐसे करके अप्लाई कर सकते हो, 4 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ठीक है, लॉक का इतने ही बेसिक अभी सीख रहे हैं, बाकी जो है वो बाद में सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ठीक है, 4 प्रॉपर्टी अभी, फिर ऐसा नहीं है कि लॉक खत्म हो गया। ठीक है, लॉक अभी बहुत सारा है, बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी हैं। ठीक है, तो आराम आराम से सीखेंगे, पहले अभी बेस के लिए इतना काफी है, फिर जैसे जैसे हम लोग 11th में घुसेंगे सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, ताकि तुम्हें सारी चीजें क्या मिलती जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, इतना समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ओवरव्यू अच्छे से समझ लेना। ओके।